यहाँ पे आप देख लीजिए, ये जो यहाँ पर इन्होंने नोटिफिकेशन डाल रखा है इसके अंदर जो भी कुछ लिखा है उसके बाद स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि सर हमको अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना होगा, आप एक वीडियो बना के बता दीजिए। तो मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या करना होगा। तो आपको नेक्स्ट प्रोसेस आपका ये होगा, मेरिट के बाद के सवाल, नियम शर्ते, आपको क्या करना है, अब यूनिवर्सिटी जाना है नहीं जाना है, क्या क्या करना है, वो सब यहाँ देखते हैं। इन्होंने यहाँ पे लिखा है छात्र छात्राओं को निर्धारित फीस जमा करने के पश्चात, यानी पहली कंडीशन तो यही है कि आपकी मेरिट आ गई है तो आपको सबसे पहले नंबर पर अपनी फीस सबमिट करनी है, फीस डिपॉजिट करनी है। जब आप फीस डिपॉजिट कर देंगे अब आपको क्या करना है वो देखिए। अब आप अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट ले लीजिएगा कम से कम 4 कॉपी में, और अपनी रसीद का भी प्रिंट आउट ले लीजिएगा कम से कम 4 कॉपी में, एक क्योंकि आप कैफे के थ्रू ये फॉर्म भरवा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा है कि हमने कैफे में फॉर्म भरवाया, और कुछ ने तो मुझको ये भी कहा है कि हमने फॉर्म जो भरवाया जिससे वो कैफे वाले भैया पता नहीं हमारा पासवर्ड याद भी रखे होंगे या नहीं रखे होंगे। तो ऐसा मत कीजिए, आप समझ गए होंगे ये मैं किसके लिए बोल रहा हूँ, जिन्होंने मुझको ये कमेंट किया था मैं उनको बता रहा हूँ ये बात कि ऐसा मत कीजिए। आपको अपना पासवर्ड याद रखना होगा, नहीं याद रखा है तो अपनी ईमेल आईडी से आप फॉरगेट पासवर्ड करके अपना नया पासवर्ड बना लीजिए, ओटीपी आपकी ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा, वहां से आप अपना पासवर्ड दोबारा क्रिएट करके लॉगिन कीजिए, अपनी फीस सबमिट कीजिए, सबमिट करने के बाद अपना आवेदन पत्र जो है उसका प्रिंट डाउनलोड कीजिए, अपने पास उसको पीडीएफ में भी सेव रखिए, उसके कम से कम 4 कॉपी में प्रिंट निकालिए, 3 कॉपी अपने साथ यूनिवर्सिटी लेके जाइएगा, 1 अपने घर में रखिएगा, और साथ में उसके फीस की रसीद जो होगी आपने जब फी पेमेंट कर देंगे उसको भी पीडीएफ में कन्वर्ट करके अपने मोबाइल में सेव रखिए, इसकी भी कॉपी निकालिए लेके जाइएगा, 1 वहीं रखिएगा अपने घर पर। ऑनलाइन से डाउनलोड की गई प्रतियां लिखा है यहाँ पर, ये हार्ड कॉपी में रखनी है आपको। ये करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा वो भी देख लीजिए आप। दूसरे नंबर पर इन्होंने बताया है कि इसके साथ आपको स्थानांतरण यानी कि टीसी, सीसी यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र, प्रवजन यानी कि माइग्रेशन, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको मूल प्रमाण पत्र यानी कि ओरिजिनल, ये डॉक्यूमेंट आपके फोटोकॉपी नहीं चलते हैं नहीं लगते हैं, ये आपको ओरिजिनली सबमिट करने पड़ते हैं। स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी कि टीसी या फिर सीएलसी और चरित्र प्रमाण पत्र कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका कॉलेज से बनेगा, आपको मिल जाएगा साथ साथ ही, नहीं मिला है तो जाइए बनवाइए। गैप ईयर स्टूडेंट जो है वो अपने कॉलेज में जाके अपने पुराने प्रिंसिपल से बनवा सकते हैं, या उन्होंने डिस्टेंस से क्वालिफिकेशन हासिल करी है या फिर उन्होंने प्राइवेट किया है, तो वो उस केस में आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए गजेटेड ऑफिसर के पास सकते हैं कि फॉर्मेट पर जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है कैरेक्टर सर्टिफिकेट का उसी पर अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। रह गई बात दो चीज की, टीसी की और प्रवजन यानी माइग्रेशन की। टीसी आपको अपने कॉलेज से मिलेगा, कॉलेज छोड़ने का प्रमाण पत्र, उसकी फीस वगैरह आप वहां पर जमा कर दीजिएगा, वो कॉलेज से निकलवा लीजिए, अभी लग जाइए इस काम में जिनके एडमिशन हो चुके हैं। तो बात करते हैं माइग्रेशन की। माइग्रेशन आपको आपके कॉलेज से ही मिल जाएगा, जो सीबीएसई बोर्ड है वहां पर वो अब उसको डिजी लॉकर में भी भेज रहा है। तो ये एक थोड़ा सा और कंफ्यूजन हो गया है बच्चों के दिमाग में कि हमारे डिजी लॉकर में तो हमारे माइग्रेशन है, हमें कॉलेज से मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आप जाइए कॉलेज में बोलिए हमको फिजिकल मोड में ही चाहिए, क्योंकि हमको वो HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी में सबमिट करनी है। आप ऑप्शन रखिए अपने पास, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि आप यूनिवर्सिटी को जाके दिखा देंगे मोबाइल में, तो वो मानेगा नहीं मानेगा मुझको इस बारे में जानकारी नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ आप अपने कॉलेज से तो जाके फिलहाल अभी ये चीज निकलवा सकते हैं, वो आपको दे देंगे आपकी माइग्रेशन। तो आप अपनी माइग्रेशन भी निकलवा लीजिए। माइग्रेशन टीसी दोनों अलग अलग होती है। टीसी आपके कॉलेज छोड़ने का प्रमाण पत्र होता है, माइग्रेशन आपका बोर्ड को पास आउट करने का या बोर्ड को छोड़कर बाहर निकलने का एक सर्टिफिकेट होता है, या आप एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर हो रहे होते हैं तो माइग्रेशन आपको लेना पड़ता है। तो यूनिवर्सिटी के केस में आपको करना क्या होगा, आपको अपने कॉलेज में जाके कैरेक्टर सर्टिफिकेट और टीसी तो मिल जाएगी, लेकिन हो सकता है वहां से आपको माइग्रेशन ना मिले, क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटी चेंज कर रहे होंगे, मान लीजिए आप श्रीनगर गढ़वाल यूनिवर्सिटी से HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, तो आपको श्रीनगर गढ़वाल यूनिवर्सिटी की माइग्रेशन चाहिए होगी, वो शायद आपको आपका कॉलेज ना प्रोवाइड कराए, तो वो आपको श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी से ही जाकर अपनी माइग्रेशन निकलवानी होगी। उसका एक ऑनलाइन प्रोसेस भी है, आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, उसकी फीस वगैरह भी आप
ऑनलाइन डिपॉजिट कर सकते हैं या फिर आप वहाँ पर स्वयं जाकर उपस्थित होकर फॉर्म फिल कर फीस जमा कर अपनी माइग्रेशन निकलवा सकते हैं। तो ये आपको जो ग्रेजुएशन करके पीजी के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो उनको जाकर यूनिवर्सिटी से भी माइग्रेशन निकालनी पड़ सकती है, हो सकता है उनका कॉलेज उनको माइग्रेशन ना प्रोवाइड कराए। चलिए, तो अगर आपको 12th पास आउट होने के बाद आपका कॉलेज माइग्रेशन देता है तो आप माइग्रेशन लीजिए वहां से। चलिए इसके बाद देख लीजिए, इसके बाद आपने क्या करना है, याद रखिएगा ये ओरिजिनल चाहिए, मूल प्रमाण पत्र होने चाहिए, ये फोटोकॉपी नहीं लगेंगे। इसके बाद इन्होंने क्या कहा है, उसके बाद आपको जो भी आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्र हैं जैसे कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट की अंक तालिका, ध्यान रखिएगा यहाँ पे इन्होंने लिखा है हाई स्कूल इंटरमीडिएट की अंक तालिका ओब्लिक प्रमाण पत्र। जी हाँ, हाई स्कूल की जब आप क्वालिफिकेशन करते हैं और इंटर की क्वालिफिकेशन करते हैं तो आपको बहुत सारे बोर्ड जो हैं वो क्या करते हैं, एक मार्कशीट देते हैं और एक सर्टिफिकेट देते हैं। लेकिन आप लोग इससे टेंशन मत लीजिएगा, आप अपने सर्टिफिकेट देखिएगा जो आपका हाई स्कूल का और 12th का है। हाई स्कूल की मार्कशीट के ऊपर अगर ऊपर लिखा है मार्कशीट कम सर्टिफिकेट या इसी तरीके की कोई भी लाइन लिखी है तो वो आपका एक ही सर्टिफिकेट चल जाएगा, वही आपकी मार्कशीट होगी और वही आपका सर्टिफिकेट होगा। लेकिन जिन स्टूडेंट की मार्कशीट पर मार्कशीट लिखा है तो उनको अपना सर्टिफिकेट भी लेकर जाना होगा, उनको दोनों चीज मिलेगी। इसको हिंदी में सनत भी बोलते हैं, एक मार्कशीट होती है एक सनत होती है हाई स्कूल की, जो पहले यूपी बोर्ड करता था वो मार्कशीट भी देता था और सनत भी देता था, यानी कि सनत सर्टिफिकेट। तो एक हाई स्कूल की मार्कशीट होगी, एक हाई स्कूल का प्रमाण पत्र होगा, सर्टिफिकेट होगा। जिन स्टूडेंट की मार्कशीट पर ही लिखा है मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, उनको एक ही रखनी है इंडिविजुअल, याद रखिएगा। गैप ईयर का मैंने भी आपको बता दिया था, फिर दोबारा रिपीट करता हूं, गैप ईयर जब बनता है आपका, जब आपका क्वालिफिकेशन के बीच में एक साल या एक साल से ज्यादा का गैप हो जाता है, उसके लिए आपको एफिडेविट बनवाना होगा। 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर एफिडेविट आपका बन जाएगा, तहसील से, कचहरी से, कोर्ट से आप वो बनवा सकते हैं। रेडी रखिए अपना, तैयार रखिए बिल्कुल, आपको वो लेके जाना होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखा आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र जो भी लागू हो। अब आपने जो भी रिजर्वेशन के सर्टिफिकेट लगाने हैं वो आपको रखने हैं, चाहे वो SC का हो, चाहे OBC का हो, चाहे EWS का हो, किसी भी तरीके की कैटेगरी का हो, आपका PWD का हो, PH का हो, कोई भी कैटेगरी का अगर आपने लगाया है सर्टिफिकेट वहां पर फॉर्म फिल करते वक्त, तो वो आपको अपने पास तैयार रखना है, वो लेके जाना है। इसके आगे देखिए आप, अब आपको क्या करना होगा, जो भी आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट की मार्कशीट सर्टिफिकेट जो भी है आपके पास, उनकी आपको फोटोकॉपी करनी होगी और फोटोकॉपी करने के बाद उसको आपने सेल्फ अटेस्टेड करना है, स्व प्रमाणित करना है, स्वयं के साइन करने हैं उस पर। ध्यान रखिएगा, स्व प्रमाणित मतलब सेल्फ अटेस्टेड, आपको कुछ नहीं करना है, पर सिंपल लिखना है इंग्लिश में सेल्फ अटेस्टेड या हिंदी में लिखना है स्व प्रमाणित, तो नीचे अपना साइन कर देना है मार्कशीट की फोटोकॉपी पर, ओरिजिनल पर मत कर दीजिएगा, फोटोकॉपी पर, मार्कशीट की फोटोकॉपी पर आपको अपना सिग्नेचर करना है सेल्फ अटेस्टेड लिखते हुए या स्व प्रमाणित लिखते हुए। और जो ये गैप ईयर का एफिडेविट होगा ये आपको ओरिजिनल लेके जाना होगा। अब आगे चलते हैं, उसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए आपने ये फोटोकॉपी कर ली, स्व प्रमाणित कर ली, हस्ताक्षर कर लिए इन पर अपने, और साथ में आपको ये सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने साथ कैरी करके लेके जाने हैं यूनिवर्सिटी में, ओरिजिनल आपको साथ लेके जाने होंगे। अब उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए इन्होंने साफ लिखा है यहाँ पर, इसमें जो ये BSc श्रीनगर कैंपस की मेरिट आई है, इन्होंने यहाँ पर लिख दिया है, क्या लिखा है, डीन ACL या डीन HSS कार्यालय में विश्वविद्यालय खुलते ही, यानी यूनिवर्सिटी खुलते ही आपको क्या करना होगा, ACL और डीन HSS के कार्यालय में यथा शीघ्र जाकर आपको अपने जो डॉक्यूमेंट है वो सत्यापित करवाने होंगे, आपको उनकी जांच करवानी होगी कि अब वो सारे के सारे ओके हैं, ठीक हैं, फर्जी नहीं है। तो ध्यान रखिए, आपको अपने जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने बताए जो ओरिजिनल लगेंगे वो ओरिजिनल ले जाने हैं, जो फोटोकॉपी लगेंगे उनके फोटोकॉपी के सेट लेके जाने हैं और वो ओरिजिनल भी लेके जाने हैं आपको, ताकि वो चेक कर सकें ये आपके वैलिड हैं या फर्जी हैं। और ये सारे के सारे आपको कहां लेके जाने हैं, ये डीन के ACL और डीन HSS कार्यालय में, ये वहां आपको पता करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी में ये कार्यालय कहां है, वहां पर पहुंचकर आपको अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना होगा, सत्यापित करवाने होंगे। और थोड़ी सी जानकारी मैं आपको यहां पर अलग से दे दूं कि जो मैंने आपको बोला है कि आपको 4 सेट बनाने हैं, फोटोकॉपी करनी है अपने डॉक्यूमेंट की, उसमें से 1 सेट आपको अपने ही पास रखना होगा, बाकी 3 आपको वो सेल्फ अटेस्टेड करने हैं, और उसमें से आपको 1 कंसर्न डीन के ऑफिस में डिपॉजिट करना होगा, 1 आपको सेंट्रल लाइब्रेरी में डिपॉजिट करना होगा और 1 आपको प्रॉक्टर ऑफिस में डिपॉजिट करना होगा। जी हाँ, लाइब्रेरी का भी रोल है इसमें कि उसका क्या प्रोसेस है, कौन सा फॉर्म आपको एक और फिल करना होगा, इस बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, एक वीडियो और लेके आऊंगा मैं आपके पास, उसमें जिसमें सारी जानकारी
जानकारी होगी। तो अभी के लिए इतना ही, आगे चलते हैं। जब आप ये सब करा लेंगे उसके बाद उन्होंने लिखा है, जो छात्र छात्राएं उपरोक्त वर्णित समस्त प्रमाण पत्रों को जमा तथा सत्यापित नहीं करवाएंगे, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन अभी हम देख के आए हैं पीछे से, अगर वो आपने सत्यापित नहीं कराई तो उनका अस्थायी प्रवेश स्थायी नहीं किया जाएगा, यानी आपका जो प्रोविजनल एडमिशन है वो परमानेंट स्थायी नहीं किया जाएगा और आपका प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। तो ये कंडीशन यहाँ पे लिखी है। इसके साथ मैं आपको एक बात और बता दूं, कुछ जगह पर एंटी रैगिंग शब्द भी लिखा हुआ आ रहा है कि आपको एंटी रैगिंग का सर्टिफिकेट देना है। अब ये एंटी रैगिंग क्या होता है? तो एंटी रैगिंग का फॉर्म कहाँ से भरना है, कैसे भरना है, कहाँ से बनवाना है, ऑनलाइन बनाना है, ऑफलाइन बनाना है, सारे सवालों के जवाब अगली वीडियो में इंतजार कीजिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके लिए कंपाइल करने की कोशिश करी है, आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी है। आप लोगों को अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, बोर हो गए हो तो मुझे माफ कीजिए। चलिए, थैंक यू। चलिए जाते जाते नमस्कार, सत श्री अकाल, सबा खैर, सब्सक्राइब नोटिस तो कर ही सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।